2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम विपक्ष मैदान में भाजपा अपनी जीत की दावेदारी कर रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार किसके साथ? अभी मैं शोएब भाई खड़े हैं, मैं इनको सुन रहा था और इन्होंने आपके सारे सवालों का बहुत सटीक जवाब दिया है। अब उसके बाद कोई बात कहने को रह नहीं जाती। फिर भी जिस हिसाब से आप कह रहे हैं जनता किस तरफ से देख रही है, तो जनता भी पूरी तरह समझ चुकी है कि मोहब्बत की जीत नफरत की हार और प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि हर चीज़ की जिस तरह से फसल का एक एटमॉस्फियर और एक ज़मीन होती है, तो उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान का एटमॉस्फियर जो ज़मीन है, ये नफरत के बीज बोकर कभी विकास की फसल नहीं उग सकती। ये हमने 9 सालों में देख लिया है। क्या सर, 9 साल में भाजपा ने नफरत के बीज बो दिए? जाहिर सी बात है, नफरत सस्ती और बाकी सब कुछ महंगाई कर दी। सबसे सस्ती आज के डेट में नफरत है, बाकी सब कुछ महंगा है। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं भाजपा की सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। किस तरह से सबका विश्वास क्या लिया? पहले सबका विश्वास लेना होगा तब ये जुमला बोले कि सबका साथ सबका विकास। अरे जब विश्वास ही नहीं ले पाए सबका, तो सबका साथ और सबका विकास क्या होगा? कह रहे पसमानदा समाज के साथ हमारी बातचीत हुई है, मुस्लिम हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है, हम सबको साथ ले रहे हैं, चाहे आवास योजना हो, चाहे राशन हो, चाहे आयुष्मान योजना हो। देखिए एक बात समझ लीजिए कि ये भाजपा सरकार या आरएसएस विचारधारा जो है, ये पूरी अंग्रेजों की राजनीति से ओत प्रोत है। और आज ये मुसलमान के पसमानदा समाज को लेकर आज मुसलमानों में दो फाड़ करना चाहती है, जो कि इसको बाखूबी आता है और ये 100 साल से कर रही है। और देखा जाए अगर सही तरीके से, तो पूरा मुस्लिम समाज क्या, पूरा जनता का जो 2 से 5% इनकी जो सोच है ना, ये सिर्फ 2 वर्ग रखना चाहते हैं, एक निम्न वर्ग और एक उच्च वर्ग। और निम्न वर्ग मालूम है कितना? सिर्फ 95 से 98%, और उच्च वर्ग वही जितना बचता है 2 से और 5%। इनके यही, बाकी आगे कुछ नहीं रह जाएगा। अगर अब की जनता सरकार नहीं बदलती है तो हिंदू मुस्लिम भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। दिन भर मेहनत करो और आदत डाल ली 5 किलो राशन में जीने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी जल्दी ना जाए और तुम धीरे धीरे जो है इस पे कम खा करो, जीने की आदत डाल। सर आपने एक बात कही कि पसमानदा समाज को ला करके दो फाड़ भाजपा करना चाह रही है, क्या भाजपा के इस टाल से या इस काम से क्या मुस्लिमों में दो फाड़ हो पाएगी? कभी नहीं, क्योंकि मुसलमान ने हमेशा, देखिए इस देश के विकास की, जैसा कि हमारे शोएब भाई ने भी कहा कि हमने किसी, अगर हम चाहते तो अगर ऐसा होता तो वसीदुन को हम अपना जो है नेता मानते, लीडर नहीं माना ना किसी ने, क्योंकि नो डाउट काबिल हैं, लेकिन अपनी काबिलियत का आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप जहाँ के हैं, जिस स्टेट के हैं, पहले आप वहाँ पर गवर्नमेंट बना के आइए, वहाँ से आवाज़ उठाइए, वहाँ से ज़्यादा विधायक लाइए तो राज्यसभा में आ जाएंगे, सांसद लाइए तो वहाँ पर आवाज़ उठाइए, इस तरह से करिए। भाजपा एक चीज़ और कहती है, क्या अंबानी और अडानी भाजपा सरकार चला रहे, क्या उनकी गोद में बैठकर काम कर रही है भाजपा सरकार? भाई बात गोद में बैठने की नहीं है, इसको तो हम आजकल, हमें तो यही लग रहा है कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के जरिए हमारे यहाँ आई थी और धीरे धीरे उसने हमारे देश पे काबिज़ हो गया, उसकी सेना भी हो गई, सब कुछ हो गई, वो खाली ऑफिसर आए थे और सैनिक यहीं के थे, तो वही चल रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो लोग थोड़ा सा कम दिमाग के या जो भी कहें, हम उनको क्या कह लें बेचारों को, क्योंकि इंसानियत ही धर्म है, तो जिन लोग को बहकाएंगे उनको अपनी सेना में शामिल कर लेंगे, अपनी सेना बना लेंगे, उसी तरह से नफरत की तरह से राज कर लेंगे। और फिर एक बार ऐसे ही अगर रहा तो अडानी ईस्ट इंडिया कंपनी ही साबित होंगे, जो हम पर गुलामी की जंजीरें जकड़ देंगे। सर भाजपा ये कहती है अंबानी अडानी अगर राजस्थान में निवेश करते हैं, भाजपा से अलग राज्य में निवेश करते हैं, कांग्रेस पार्टी के जहां पर शासन है उसमें निवेश करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष तमाम चुप रहता है, लेकिन अगर भाजपा शासित राज्य में कुछ निवेश करते हैं अंबानी अडानी, तो उनको भाजपा से सम्मिलित कर दिया। देखिए निवेश करते हैं लेकिन करते सेंट्रल के ही तहत हैं, मेरी बात समझिएगा, कोई उन्होंने खासकर किसी स्टेट के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई है, तो सेंट्रल से जहाँ से होता है तो हर जगह अपनी कंपनी फैलाएंगे, हर जगह मतलब ऐसे ही महंगाई हो जाएगी, प्लेटफॉर्म टिकट 5 से 50 का हो जाएगा, एयरपोर्ट पे हर मिनट का चार्ज लगेगा गाड़ी खड़ी करने का, तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है? प्लेटफॉर्म टिकट तो 10 रुपये का है, अभी 2 घंटे के लिए गए थे आप? जी सर कल ही गए थे। कल गए थे, मुझे तो नहीं लगा। सर मेरे का टिकट भी आपको दिखा? मुझे तो नहीं लगा। लखनऊ प्लेटफॉर्म टिकट सर कितने का है? वो तो ठीक है उसके, नहीं सर वो 10 रुपये का सर भी तो नहीं लगा। सर 10 का ये तो नहीं लगा, मैं तो गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम विपक्ष मैदान में भाजपा अपनी जीत की दावेदारी कर रहा है, आखिर उत्तर प्रदेश की जनता अब की बात किसके साथ? अभी मैं शोएब भाई खड़े हैं, मैं इनको सुन रहा था और इन्होंने आपके सारे सवालों का बहुत सटीक जवाब दिया है। अब उसके बाद कोई बात कहने को रह नहीं जाती। फिर भी जिस हिसाब से आप कह रहे हैं जनता किस तरफ से देख रही है, तो जनता भी पूरी तरह समझ चुकी है कि मोहब्बत की जीत नफरत की हार और प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, इसके अलावा
कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ की जिस तरह से फसल का एक एटमॉस्फियर और एक ज़मीन होती है, तो उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान का एटमॉस्फियर जो ज़मीन है, ये नफरत के बीज बोकर कभी विकास की फसल नहीं उग सकती। ये हमने 9 सालों में देख लिया है। क्या सर, 9 साल में भाजपा ने नफरत के बीज बो दिए? जाहिर सी बात है, नफरत सस्ती और बाकी सब कुछ महंगाई कर दी। सबसे सस्ती आज के डेट में नफरत है, बाकी सब कुछ महंगा है। लेकिन सर, वो तो कह रहे हैं भाजपा की सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब साथ हैं, सबका साथ, सबका विकास। किस तरह से सबका विश्वास क्या लिया? पहले सबका विश्वास लेना होगा, तब ये जुमला बोले कि सबका साथ सबका विकास। अरे जब विश्वास ही नहीं ले पाए सबका, तो सबका साथ और सबका विकास क्या होगा? कह रहे पसमानदा समाज के साथ हमारी बातचीत हुई है, मुस्लिम हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है, हम सबको साथ ले रहे हैं, चाहे आवास योजना हो, चाहे राशन हो, चाहे आयुष्मान योजना हो। देखिए एक बात समझ लीजिए कि ये भाजपा सरकार या आरएसएस विचारधारा जो है, ये पूरी अंग्रेजों की राजनीति से ओत प्रोत है, और आज ये मुसलमान के पसमानदा समाज को लेकर आज मुसलमानों में दो फाड़ करना चाहती है, जो कि इसको बाखूबी आता है और ये 100 साल से कर रही है।